नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। पटना जंक्शन और जीपीओ गोलंबर के उत्तर पूर्व छोर के पास प्रस्तावित मल्टी मॉडल हब के बीच बनने वाले सबवे के प्रवेश व निकास द्वार का डिजाइन फाइनल हो गया। आपको बता दें कि पटना जंक्शन मल्टी लेवल पार्किंग और बकरी बाजार के पास एंट्री और एग्जिट होगा। जंक्शन गोलंबर के पास ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यह प्रोजेक्ट लोगों की राहत के लिए तैयार किया है। इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी पूर्व विकास निगम को दी गई है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 2 साल का समय लगेगा। इसका काम बकरी बाजार वाले हिस्से से शुरू भी हो गया है। अभी केवल ऊपरी हिस्से में ही करीब 100 मीटर लंबे पैच का काम 2 लेन में शुरू हुआ है। सबवे की कुल लंबाई 440 मीटर है। बता दें कि मॉनसून के बाद अंडरग्राउंड सबवे निर्माण के लिए खुदाई होगी। पटना जंक्शन से मल्टी लेवल पार्किंग तक का 330 मीटर का भाग अंडरग्राउंड रहेगा, जिसका काम अभी शुरू नहीं हो सका है। मल्टी लेवल पार्किंग से बकरी बाजार तक 110 मीटर सतह पर ही काम चल रहा है। बता दें कि जंक्शन के पास प्रस्तावित सबवे में ट्रैवलेटर की सुविधा लोगों को मिलेगी। देश में कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट पर ही ट्रैवलेटर की सुविधा है, जिस पर खड़े होकर यात्री एक से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके अलावा सबवे में 2 लेन होगी, एक में ट्रैवलर की सुविधा होगी, वहीं दूसरी स्थायी लेन भी बनेगी। इसके लिए करीब 68 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सबवे में AC, पावर बैकअप, ड्रेनेज, अग्निशमन, वेंटिलेशन और रैंप की सुविधा भी होगी। ठीक इसी तरह की सुविधा पटना जंक्शन जाने और आने वाले लोगों को भी मिलेगी। सबवे बनने के बाद जहां जंक्शन का लुक बदल जाएगा, वहीं लोगों को भीड़ से बड़ी राहत रहेगी। इस मामले में आगे की जानकारी के लिए बने रहे न्यूज फॉर इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।